नील का कहना है कि हमें न्यूटिया का कैंटीन में 50 रुपए का चिकन भात मिल जाएगा। भाई तो लेट क्यों आते आने में? अरे क्या करे, पूरा जैम था भाई। ठीक है अभी हम लोग खाना खाएंगे। चिकन खराब है। अरे ओके सो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग को चाय मिला है पीने के लिए। अभी हम लोग साफ रूम में और हम लोग यहाँ पे चाय मिले, फ्री का चाय। क्या कर रहा है तू? दोस्तों कहाँ रहते हो आप लोग इतने दिनों तक? मैं आपको देखता ही नहीं हूँ, आप लोग मेरे सामने नहीं रहते तो मुझे कैसा लगता है यार? मैं सामने रहो यार, मुझे बात करने में अच्छा लगता है आप लोगों से। आप लोग आते ही नहीं हो। एक्चुअली गलती मेरा ही है, मैं ही बहुत दिनों बाद व्लॉग दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, इस जस्ट थैंक यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। स्पेशल नहीं है, आज कोई मैं एनिवर्सरी नहीं है जो स्पेशल है। आज एक्चुअली आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आज से, क्योंकि आज से मेरा हो रहा है इंटर्नशिप। मेरे कॉलेज से मिला है मुझे इंटर्नशिप, और मैं जो इंटर्नशिप है वो मुझे सिटी सेंटर के स्पेंसर में मिलेगा करने के लिए। तो मेरा आज ये पहला दिन रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा आज का दिन मेरा पहला दिन कैसा था। और तो हमें इंटर्नशिप करने का एकदम मन नहीं था, एकदम मन नहीं था, क्योंकि हम लोग बच रहे थे, हम दिग्विजय जीतू जितने भी है, बहुत सारे और भी फ्रेंड्स थे, हम लोग बच रहे थे। हम लोग इंटर्नशिप करना नहीं चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि कोई अच्छा सा कोई फेक सर्टिफिकेट ले लेंगे बस हो जाएगा। बट हम लोग फंस गए एक जगह, क्योंकि हम लोगों ने टीचर्स बोला कि जो जहाँ पे तुम इंटर्नशिप करोगे वहाँ से रिलेटेड तुमको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, उसको लेकर तुम्हें मार्क्स भी मिलेगा। तो बेटा फेक सर्टिफिकेट लेके हम लोग को प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग के पास ऑप्शन नहीं रहा, और हम लोग को एंड में हम लोग को इंटर्नशिप करना पड़ा। और जो कमाल का बात यह है कि मेरे जो दो फ्रेंड है जिद्दू और दिग्विजय, वो लोग का भी सेम जगह में इंटर्नशिप लगाएंगे। हम लोग 11 बजे बुलाया गया है सिटी सेंटर के स्पेंसर में, वहाँ पर जाएंगे, वो लोग हम लोग समझाएंगे कैसे क्या करना है। अब मैं हो जाऊँगा फ्रेश, ब्रश करूँगा, नहा लूँगा, खा लूँगा, उसके बाद फिर दिग्विजय हमेशा की तरह मुझे आएगा लेने के लिए, तो मैं उसके साथ निकल जाऊंगा। तो ठीक है, अब हम आपको आगे जाके मिलाते हैं। सीधा मैं आपको सीधा दिग्विजय से मिलाता हूँ, चलो बाय। ओके सो दोस्तों, दिग्विजय ने मुझे पिक कर लिया और मैं अभी सिटी सेंटर पहुंच गया हूँ। अब हम लोग को जाना है अंदर स्पेंसर में, जाना है, बताएगा कैसे क्या होगा। तो पहले एक बार दिग्विजय से पूछ लेते कैसा वो, क्या एक्साइटेड है या नर्वस है, बता भाई। नर्वस है क्या तू? सामान बेचना फिर अंदर शायद कैमरा अलाउड हो या ना हो। स्टारबक्स में मजा आया था यार, स्टारबक्स में इंटर्नशिप मजा आता है, पीते रहते। तो हम और दिग्विजय यहाँ पे है, जिद्दू है अंतर, तो जिद्दू अभी हम लोग का वेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जिद्दू से पहले मिलेंगे। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं स्पेंसर की तरफ, भाई यहाँ तरह अंडरवर्ल्ड जगह में जा रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है। ओके सो गाइस, अभी हम लोग अंदर घुस गया है, अपना अपना सामान रख लिया, और मुझे ये ट्रेनिंग का आईडी कार्ड मिल चुका है, पीछे और भी दोस्त हो गए। अभी हम लोग स्पेंसर से अभी बाहर निकले अभी हम लोग जाएंगे, बस दिग्विजय का बाइक चेक करेंगे जहाँ पे बाइक रखा हुआ है कि बाइक सही सलामत है या नहीं है। और यहाँ पे जिद्दू है, आप देख सकते हैं जिद्दू का ज्वाइनिंग एक दिन पहले हो चुका था, हम लोग का ज्वाइनिंग आज है। पर पता है हम लोग की जो मैम है ना, जो बहुत भाव खा रही है, जो हम लोग की एचआर है, एचआर क्या है कि पहले हम लोग का इंटरव्यू लेगी, ठीक है ना, तब जाके हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे। अभी हम लोग प्रॉपरली ऑफिशियली ज्वाइन हुए नहीं है, बट क्या हुआ कि एचआर जो है बहुत भाव खा रही है, वो बार बार बोलेगी ठीक है थोड़ा टाइम बाद आप लोग आइए, बस डिग्री है ना इसलिए तब भाव खा रही है। मैम अच्छी है, बस थोड़ा भाव खा रही है, एकदम अच्छी नहीं है गाइस, एकदम अच्छी नहीं है। वो मैम कम क्रश ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो भाव बहुत ज़्यादा खा रही है। तेरा क्रश को भाव देता है? मेरा क्रश ही नहीं है। नहीं है ना। तेरा क्रश है? ओ नहीं नहीं सॉरी, ये लड़का कमिटेड है, तो ऐसा कोई क्रश हो ही नहीं सकता है, कहता है पायल भाभी नहीं देखेगी ये वीडियो। हाँ तो गाइस बोल रहा दिग्विजय का बाइक, तो दिग्विजय का बाइक अभी एकदम सेफ है, तो अभी हम लोग वापस बढ़ रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये स्टारबक्स है। हाँ यहाँ मैं एक बार भी नहीं गया हूँ, कमेंट करके बताना अगर आप गए हैं तो, मैं जाऊँगा कभी जाऊँगा। और अभी हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस अंदर जाना है, क्या पता आप शायद मैम इंटरव्यू ले बिना भाव खाए, क्योंकि बहुत भाव खा रही है मैम। ठीक है तो फिर जाते हैं बंदर। गाइज अभी एचआर ने इंटरव्यू ले चुका है। ओके सो गाइज, अभी हम लोग लंच के लिए निकले हुए हैं, तो अभी हमारे साथ है नील। नील भी इंटर्नशिप में है, बट इसका इंटर्नशिप लगा हुआ है न्यूटिया में, ये क्योंकि बड़ा आदमी है, इसके लिए इसको बड़ा बड़ा जगह मिलता है न्यूटिया, आप न्यूटिया वहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यूटिया का कैंटीन में, बट जहाँ हम लोग को लग रहा है कि वो उस कैंटीन में सिर्फ न्यूटिया का स्टाफ को ही अलाउड है, बट देखते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे कि देख क्या होता है, क्या होता है, कमर के बाहर निकलता है। हाँ पर हम लोग को डाउट है, क्योंकि हम लोग को कहीं जाने देगा या नहीं देगा, पर हम लोग देखते हैं जाके क्या होता है। तो ठीक है अभी हम लोग जाके देखते हैं उस कैंटीन में हम लोग खाना मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ के सिर्फ स्टाफ को अलाउड है खाना, अगर नहीं हुआ तो हम लोग कहीं बाहर जाके खा लेंगे।
नील का कहना है कि हमें न्यूटिया का कैंटीन में 50 रुपए का चिकन भात मिल जाएगा। देखते हैं, चल तो देखते हैं भाई, अगर नहीं मिला तो ये बाकी का पैसा देने वाले। तो गाइस ये है कृष्णा, इसका भी इंटर्नशिप लगा हुआ है न्यूटिया में। ये अजीत है, अजीत का भी इंटर्नशिप न्यूटिया में लगा हुआ है। लंच कर लिया? हाँ कर लिया। सही है। सुना ओए, अंदर में खाने देगा? अंदर में खाने देगा? नहीं, वो स्टाफ डाइनिंग है। वो स्टाफ डाइनिंग है, एक बार जाके ट्राई तो कर सकता है। ट्राई तो करते पड़े, ट्राई कर सकता है ना, क्या बोलता है? विजिटर लोग अलाउड नहीं है। ट्राई करेगा बोल, सोच देता अंडरग्राउंड नहीं जाते हैं फालतू का। तो ये है मिस्टर लेट लतीफ अभिषेक दत्ता, ये भी इंटर्नशिप करने वाला है। ये लड़का भी इंटर्नशिप करने वाला था बट ये अभी बहुत लेट है, अभी पहुंचा है, तो अभी इसको भी अच्छा मैम से बात बात करवाएंगे। भाई तो लेट क्यों आते आने में? अरे क्या करे, पूरा जैम था भाई। ठीक है ठीक है, अभी हम लोग खाना खाएंगे। ठीक है सुन, पहले खाना खा लेते हैं। चल ठीक है, तो पहले अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। और गाइस हम लोग अभी न्यूटिया नहीं जा रहे खाने, हम लोग अभी और ट्राई कर लेंगे। ओके सो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ आके टाइपो खाएंगे बट इन लोगों ने ऑर्डर किया है वेज फ्राइड राइस, और दिग्विजय ने भी वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया है। तो मेरा भी अभी आने वाला है, मैंने और अभिषेक ने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया, तो अभी हमारा चिकन फ्राइड आने वाला है। भाई कैसा वेज फ्राइड राइस? आप पता नहीं हम लोग कब आएगा, हम लोग को भूख लग चुका है यार, इन लोग खाते हुए देखे और भूख लगी है। क्या पता, हाँ अभिषेक तेरा भाई शो नहीं है भाई, तेरा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? एक्चुअली ये लड़का ना बहुत दूर से आया, ये हल्दी भाई से आया, ये यहाँ पे रहता नहीं है, इसलिए इसका लेट हो गया। तो वो जब आना है तो जल्दी आता ना भाई, तो अभी हमारा आ रहा है चिकन फ्राइड राइस। तो ये हमारा चिकन फ्राइड राइस है, भैया ने लगा दिया है, थैंक यू भैया। मेरा चिकन तू हरा भी, चिकन नहीं छुएगा भाई, आराम से गर्म है। कैसे है, सही है ना? तो ठीक है गाइस, अब हम लोग खाने के बाद मिलते हैं आपसे। क्या अभी चल पे लो। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है, लंच बहुत अच्छा था। ओए अभिषेक चिकन फ्राइड कैसा था? वेज फ्राइड बहुत अच्छा, एक्चुअली भात फ्राइड राइस सब सेम था, वेज फ्राइड राइस और चिकन फ्राइड दोनों सेम था, चावल मतलब उसका जो राइस था एकदम सेम था, बस उसमें चिकन था और उसमें वो वेज था बस। हाँ, कुछ अब हम लोग को वापस वहाँ पे जाना है, अंदर जाना है, अंदर जाके काम वाम करना है। भाई तू देगा इंटरव्यू? देगा क्या? क्या अब इंटरव्यू लेगा वो? नहीं लेगा ऐसा। अभी अभी अभिषेक का आई डोंट थिंक उसका भी इंटरव्यू लेगा, क्योंकि बहुत लेट आया है। और काम ऐसा कुछ है नहीं, बस हम लोग को अंदर रहना है, बस खड़े रहना है। तो ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, अब हम लोग आपसे मिलते हैं फिर बाद में, बाय। 2 hours later। तो दोस्तों अभी हम लोग टी ब्रेक में आए हैं, यहाँ पे बहुत बोर हो चुके हैं अंदर, तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बट हम लोग टी ब्रेक में टी नहीं पी रहे थे। दोस्तों तो पी क्यों नहीं रहे भाई? अब तो लोग नहीं पी रहे। और एक काम कर देना, क्या लड़के को फॉलो कर देना। अरे हाँ प्लीज, इसको फॉलो कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप लोग यूट्यूब में अगर देख रहे तो इसको जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं हमेशा देता हूँ। तो ठीक है अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे रह के उसके बाद हम फिर वापस नीचे जाएंगे, फिर तो काम रहेगा, अब ज़्यादा देर रहना नहीं है, तो घंटा बस उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर। फिर हम लोग अभी अभी ब्लॉग नहीं खत्म करेंगे, ब्लॉग मैं अब बाद में खत्म कर दूंगा जब मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा था आज का दिन का। अच्छा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा पार्किंग एरिया, यहाँ पे पार्किंग होता है, और अंदर जो आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादा अंदर कैमरा नहीं ले जाऊँगा क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली है, तो वो अंदर गो डाउन है, उसके बाद ही हम लोग फिर अंदर घूमेंगे उसके अंदर। ये हमारा स्टाफ है। ओके सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग को चाय मिला है पीने के लिए, चाय मिला है अभी हम लोग स्टाफ रूम में, और हम लोग यहाँ पे चाय मिले फ्री का चाय, अगर फ्री का चाय मिले तो हम लोग पी सकते हैं, फ्री का हम लोग अलकतरा मिल जाए ना वो भी खा देंगे, अलकतरा भी खा लेंगे। अभी तक फ्री का चाय नहीं पी, पैसा भी नहीं चाहिए था, वो फ्री में मिला, फ्री का चाय भी अच्छा है। ओए ओए क्या कर रहा है तू? मेरा चाय पे हाथ आ रहा था एक्चुअली, मैं सही में मैं चाय नहीं पीता हूँ बट अभी क्या हो गया ना कि बहुत सर दुख रहा था तो सोचा चाय पी लेता हूँ। ओके सो अब हम लोगों ने चाय पी लिया है, चाय बहुत ही अच्छा था, मैं चाय पीता नहीं बट चाय से बहुत अच्छा था, हम लोग फिर जा रहे हैं काम के तरफ। ओके सो दोस्तों अब हमारा काम हो चुका है, अब हम निकल चुके हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आया आज क्योंकि वैसे कुछ काम हम था नहीं करने के लिए, हम लोग मस्त अपना मज़े किए, तो हमारा काम हम था, हम लोग को हेल्प किए, वह इतना हम लोग को वर्कलोड दिया नहीं है, तो बस एक महीने का बात है हमारे इंटरव्यू, बस एक महीने का ये, उसके बाद हम लोग ख़त्म हो जाएगा, तो बस हम लोग सीसी घूमेंगे उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। जीतू तो अभिशाल सब निकल चुके हैं, अभी बस हम और दिग्विजय हैं साथ में, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सिटी सेंटर घूमेंगे क्योंकि सिटी सेंटर पास में ही है, और सिटी सेंटर घूम के फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर देना। चलो बाय।